हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम गंजन। सो गाइस, आज है संडे और यहाँ पर चल रही है लंच बनाने की तैयारी, संडे स्पेशल लंच। आप लोगों को पता ही है कि मैं संडे के दिन नॉनवेज वगैरह बनाती हूँ। कुछ मतलब भगवान का दिन आया तो मतलब भगवान का कुछ रहा तो ही नहीं बनाती हूँ, वरना नॉनवेज वगैरह बनता है। तो आज चिकन वगैरह तो नहीं था, चिकन वगैरह बनता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि यार मीट वगैरह मुझे पसंद नहीं है, इसी वजह से मेरे यहाँ पे मीट वगैरह नहीं बनता है, सिर्फ चिकन मुझे पसंद है। तो नॉनवेज में तो चिकन ही बनता है। और अभी अभी मैं फ़िश खाने लगी हूँ तो फ़िश बन रही है। तो फ़िश वैसे बनती थी इनके, मतलब फ़िश से मुझे कोई एलर्जी वगैरह नहीं थी, फ़िश बनती थी बट मैं नहीं खाती थी। तो आजकल मैं भी खाने लगी हूँ फ़िश, थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अंडा करी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले प्याज लिया था और टोमेटो लिया था, एक साथ ही मैंने पीस लिया है वो। और उसमें ना मगज़ बीज डाली थी, वो जो तरबूज के बीज होती है वो, और वो मैंने पीस लिया था। एक्चुअली वो मैंने भूनी नहीं थी आज, जो तरबूज बीज होती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर वो अच्छे से भून लिया था मसाला। उसके बाद मैंने ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट। और उसके बाद यहाँ पर जो जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से मतलब वो हो जाए, भुन जाए, उसके बाद यहाँ पर मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। और यहाँ पर मैं एवरेस्ट का गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ वहाँ पर मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, ताकि हमें ग्रेवी के लिए पानी लगेगा। यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है और पानी ऐड कर दूँगी। और फिर अंडे बॉईल हो चुके होंगे, तो यहाँ पर मसाला ना थोड़ा सा बॉईल होने दूँगी, मतलब यहाँ पर ग्रेवी बॉईल हो रही है। तो उसके बाद मैं अंडे निकाल लूँगी, एक जो है वो बॉईल हो चुके थे एक बॉयलर में। और ये एक बॉयलर जब से आया है ना, तब से इतना मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंशन मेरा ख़त्म हो गया है। एक बॉयल करने के लिए रख देती हूँ ना, तो जल्दी एक बॉयल भी हो जाते हैं, बंद भी हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो पतीले से तो बहुत ज़्यादा बेटर है, पतीले में रखती थी ये तो कोई अंडे फूट जाते थे, कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते थे। तो उस टाइप के तो यहाँ पर अभी हो नहीं रहे हैं, वो वाले जो प्रॉब्लम मुझे फेस करने पड़ते थे वो नहीं हो रहे हैं। उसमें किसी ने पूछा था तो मैं पहले नमक ऐड करती थी, अंडे फूटने नहीं चाहिए उसी वजह से। तो अभी बिल्कुल एक बॉयलर में अंडे टूटे वगैरह कुछ नहीं है। और यहाँ पर अब फोक से मैं थोड़ा सा वो करके उसको छेद करके अंडे जो है, एक जो है वो करी में डाल दे रही हूँ। क्योंकि ना अगर आप थोड़ा सा छेद वगैरह करते हो ना, तो करी में अंडे डालते हो तो जो करी है वो एग्स के अंदर चली जाती है, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। और आज मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, थोड़ा सा जल्दबाजी में थी। एक्चुअली हमेशा ही जल्दबाजी में होती हूँ, बट आज थोड़ा सा जल्दी करना था। तो इसी वजह से मैंने क्या किया कि एग जो है वो फ्राई नहीं किए, नहीं तो एग्स में फ्राई करती हूँ, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। अगर इस तरह से भी खाते हो तो टेस्ट आता ही है, बट अगर फ्राई करते हो थोड़ा सा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है एग्स का। तो उस तरह से डालती हूँ, बस आज मैंने ऐसे ही डाले हैं, हमेशा फ्राई करके डालती हूँ, तो थोड़ा सा अलग टेस्ट भी होना चाहिए कभी कभी। और यहाँ पर मैं आटा गूँद ले रही हूँ, और मैं ना थोड़ा सा सॉफ्ट आटा गूँदती हूँ। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप क्या करते हो, मतलब आपकी रोटी काफ़ी अच्छे से फूलती है। तो मैं ना थोड़ा सा पहले ही गूदने के टाइम सॉफ्ट आटा गूदती हूँ, तब मेरी रोटी इस तरह से फूल जाती है, आप देख लेना अभी। और मैं इस तरह से चौकन करके रोटी बनाती हूँ, मतलब तेल लगा के अंदर से, तो इसी वजह से रोटी बहुत ही अच्छे से फूलती है, आप देख सकते हो। तो और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा रोटी सॉफ्ट होती है, मेरे हाथों से जो रोटी बनाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। मतलब जो भी लोग खाते हैं वो बोलते हैं कि रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, कैसे बनाई है करके। तो यही ट्रिक है, मतलब ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करना पड़ता है। मैं तो बहुत मतलब जल्दबाजी में करती हूँ, कुछ भी ताम झाम नहीं करती हूँ, बट थोड़ी देर सिर्फ सॉफ्ट पर आटा गूँथती हूँ, थोड़ी देर उसको रेस्ट होने दे देती हूँ आटे को, और उसके बाद रोटी बनाती हूँ। और वो भी रोटी बनाती हूँ तो इस तरह से गोल बनाती हूँ, उसके बाद पहले उसे ये कर देती हूँ पराठे जैसा, और फिर जो मतलब त्रिकोण बना लेती हूँ, और उसके बाद उसे बेल लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बना रही थी मैं, तो सडनली याद आया कि मैं चावल भी लगा देती हूँ करके, तो यहाँ पर मैं चावल भी लगा दूँगी। और एक करी तो बन चुकी थी मेरी, उसी गैस पे मैं चावल लगा दूँगी, और उसके बाद मेरे राइस भी यहाँ पर बन जाएंगे और रोटियाँ भी बन जाएगी, और मेरा पूरा खाना ही बन जाएगा एक्चुअली। तो राइस ना बनाने पड़ते हैं बच्चों के लिए, नहीं तो बच्चे रोटियाँ ज़्यादा नहीं खाते। माही तो बिल्कुल नहीं खाती है यार रोटी, मैं बहुत परेशान करती है रोटी खाने में। उल्टा अद्विक अच्छा है रोटी खाने के लिए, अद्विक तो भी कुछ भी चीज़ खा लेता है अद्विक ना, मतलब अद्विक का बिल्कुल टेंशन नहीं है, मुझे माही का ही टेंशन है। और माही दिन ब दिन दुबली होती जा रही है, उसका इतना टेंशन है। वो एक तो स्कूल में जाती है तो
थोड़ा सा वो होता है कि वहाँ पर तो भी खा लेती है बच्चों के साथ, बट घर पे बिल्कुल खाना अच्छे से नहीं खाती है। तो यहाँ पर लगे हाथ में जो भी बर्तन थे वो भी साफ़ कर ले रही हूँ, और बर्तन का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है यार, मतलब वो बेसिन का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जैसे फ़िल्टर का। ये मेरा टेंशन पता नहीं कब ख़त्म होगा, जो फिल्टर का टेंशन है ना पता नहीं कब ख़त्म होगा। आर ओ वालों को कॉल करे जा रही हूँ, वो आ ही नहीं रहे हैं। 2 दिन से कॉल कर रही हूँ, एक स्टार्ट भी हो गया था और दोबारा से बंद हो गया है। आज तो बिल्कुल ही बंद हो गया है, क्योंकि आज क्या हो गया, वो पानी जा ही नहीं रहा था ऊपर, और बटन स्टार्ट कर दी थी हमने, तो वो क्या हो गया था कि जल गया है उसमें से वायर, और हम लोग जैसे ही किचन में आए तो स्मेल आने लगी थी जलने की, तो फिर पता चला कि वायर जल गया है करके वहाँ उसके अंदर का। तो अभी ना, और उसका ना जो पानी है वो बेसिन में जाता है, और फिर बेसिन का जो पानी है वो नीचे गिरता है और फिर बाद में किचन में आ जाता है। तो उसकी तरह मतलब उससे ही ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ रहा है मेरा। बार बार मुझे पोछा मारना पड़ रहा है, बार बार मुझे झाड़ू मारना पड़ रहा है, और वो भी जो मेट है वहाँ पर रखे वो भी गीले हो रहे हैं, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो मैं इसकी टेंशन में हूँ थोड़ी सी। एक्चुअली गाइज, मैं अभी बनाने वाली हूँ मैगी, और हाँ, तो अदवी को खानी है मैगी, क्योंकि अदवी कभी बाहर गया था तो इप्पी के पैकेट्स लेके आया, और मेरे ना डीमार्ट के जो पैकेट लाती हूँ मैं, जो फुल वाला जो बड़ा वाला पैकेट लाती हूँ, तो वो खत्म हो गया है। डीमार्ट का सामान भी लाना है यार, तो डीमार्ट का सामान पता नहीं कब लेके आएंगे। ग्रॉसरी खत्म हो गई है तो ग्रॉसरी भी लाने जाना है, तो इप्पी जो है वो खत्म हो गई थी, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ इप्पी उसके लिए, अदवी के लिए, और इप्पी बना देती हूँ अदवी को। और खाना मतलब आज ना डिनर में एक्चुअली किसी को भूख नहीं है। सुबह बनाया था क्या बोलते हैं, अंडा करी बनाई थी, तो उस टाइम अंडा करी बच गई थी उसमें से, तो और हम लोग ना सो गए थे, तो सोने के बाद ना जब हम लोग उठे अभी, तो हमें इतना मतलब भूख नहीं लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें भूख लगी है करके, तो इसी वजह से ये बोल रहे थे कि बिल्कुल खाना ही नहीं खाना है। तो मैंने बोला थोड़ा सा राइस खा लेना, थोड़ा सा राइस बना देती हूँ मैं, तो इसी वजह से राइस बनाना है। और हाँ, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि जो अगैरो का राइस कुकर मैंने आपको दिखाया था, तो जो मैंने लिया था अगैरो का राइस कुकर, उसमें मैंने आपको बिरयानी सिखाई थी, आई थिंक उन्होंने वो परचेज किया है, और वो बोल रहे थे कि उसमें उन्होंने प्लेन राइस बना के देखा तो चिपचिपा बन रहा है, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि प्लेन राइस बना के दिखाओ उसमें, तो इसी वजह से मैंने खिला के दो, इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज प्लेन राइस ही बनाते हैं, और दिखाती हूँ मैं आपको कि प्लेन राइस किस तरह से बनाया जाता है वो राइस कुकर में। तो चलिए पहले मैगी बना देती हूँ अदवी के लिए, और उसके बाद मैं आपके साथ प्लेन राइस की रेसिपी शेयर करूंगी, मतलब प्लेन राइस राइस कुकर में किस तरह से बनाया जाता है वो शेयर करूंगी मैं आपके साथ। चटोरू चटोरू, आपको क्या चाहिए बताओ? चटोरे हो आप? चटोरे नहीं, क्या बोल रहा है बताए? मैंने बोला आप चटोरे हो तो बोल रहा नहीं मैं अदवी हूँ। काय है, तू कौन है? चटोरा नहीं, अदवी है, ये अदवी है, चटोरा नहीं है। ओ डिस्के आऊं डिस्के आऊं डिस्के आऊं। चलो पहले मैगी बना लेती हूँ। मैगी मैगी क्या कर रही हूँ पता नहीं मैं। मैगी 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 पी ये वाला लाया है इन्होंने, अभी छोटे छोटे दो पैक लाया है क्योंकि इसको अभी खाने थे। हाँ हाँ दो दो, हाँ दोनों बना देती हूँ, इसको अभी खाना था इसी वजह से।
देखो ना क्या कर रही है दीदी? उगड़ रही है। दीदी उगड़ रही है, खोल रही है? नहीं दीदी उगड़ रही है। दीदी खोल रही। अच्छा खोल रही दीदी। हाँ दीदी खोल रही। अभी इसे ठंडा होने दो ठीक है, और फिर खाओ। ठीक है। ये छोटा सा, अरे बाप रे, ये देखो छोटा सा फोक। अरे बाप, गरम नहीं? क्यों नहीं? नहीं नहीं गरम नहीं खाई चो तो थोड़ा वेळ देते ना, त्याच्यामध्ये बसत नाहीये ना ते, थोड्या वेळाने देते ठीक आहे। हळू 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 खायचं नाही आता सध्या, थंड होऊ द्यायचंय। हो खाऊ का नाही? तो अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो डिनर के लिए मैं बना रही हूँ राइस, जैसे कि आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर मैं वो जो पॉट है उसमें रख दूँगी, और उसके बाद इस वाले कप से, जो मेजरमेंट के लिए कप दिया होता है, उसी कप से मैं 2 कप चावल ले रही हूँ। और आपको सिर्फ ध्यान रखना है, आपको खिले खिले चावल अगर चाहिए हो तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको जो पानी आप डालते हो सिर्फ उसकी क्वांटिटी सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं चावल वॉश कर लूँगी, और ना अगर आपके पास टाइम हो तो पहले से ही आप आधे घंटे पहले ही चावल वॉश करके आप चावल जो है वो सोक करने के लिए डाल दीजिएगा। आपके राइस थोड़े से आधे घंटा अगर सोक किए हुए रहेंगे ना तो अच्छा और अच्छे बनेंगे राइस। तो यहाँ पर मैंने राइस जो है वॉश कर लिए है, उसके बाद वो कंटेनर में, मतलब जो पॉट है उसमें मैं राइस डाल दूँगी, और उसमें हमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब जितना हमें, हमने राइस लिया है उसके अकॉर्डिंग हमें पानी ऐड करना है उसमें। तो यहाँ पर मैंने 2 कप जो है वो चावल ऐड किए थे, तो 2 कप मैंने राइस लिए है, तो उसके लिए मुझे पानी चाहिए होगा। मतलब 1 कप के लिए मेजरमेंट है 2.5 कप, तो मैं यहाँ पर 5 कप जो है वो पानी ऐड कर रही हूँ उसमें। तो 5 कप हम लोग पानी ऐड कर देंगे, जैसे कि हमने 2 कप राइस लिए है तो इसी वजह से 5 कप हम पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें ऐड करना है उसमें थोड़ा सा तेल, मतलब तेल भी हमें थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में ही ऐड करना है, ताकि वो जो हमारे राइस है वो खिले खिले से बने, चिपके ना एक दूसरे से। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी तेल, तो तेल भी अच्छे से ऐड कर देना है आपको। उसके बाद आपको उसमें ऐड करना है नमक, मतलब नमक तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दो। पतले में भी हम बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग नमक ऐड करते हैं, या कुकर में भी बनाएंगे तो उसमें भी नमक ऐड करेंगे, नमक तो चाहिए होगा। और उसके बाद हम लोग कुकर को ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर बटन ऑन करने के बाद वहाँ पर नीचे ऑन ऑफ बटन होती है, मतलब ऑन और वो स्टीम की बटन होती है। तो यहाँ पर अगर आप ऑन कर दोगे और लीड लगा के रख देना है हमें, तो ऑन करने के बाद वो जब राइस बन जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली वो जो कुकर है ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद स्टीमिंग मोड पे चला जाएगा। गाइस राइस बन के हमारा रेडी है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बना है राइस। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ओपन करके। तो गाइस यहाँ पर बन चुके हैं हमारे राइस, रेडी हो चुके हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने खिले खिले से बने हैं। मतलब आप इस तरह से अगर बनाते हो, थोड़ी सी आपको पानी के ध्यान रखना पड़ता है, पानी की क्वांटिटी का, और बस इस तरह से आपके जो राइस है वो खिले खिले से बन जाएंगे। अगर आप इससे भी ज़्यादा खिले बन सकते थे अगर आप सोक करके रखते हैं आधा घंटा तो, और राइस पे भी डिपेंड है आपके, आप कौन सा राइस यूज़ कर रहे हो। तो इस तरह से मेरे जो राइस है अभी खिले खिले से बन चुके हैं, और बिल्कुल नहीं चिपकेंगे आपके जो राइस है वो। और आप देख सकते हो अभी थोड़ा सा गर्म था, इसी वजह से अगर ठंडे हो जाते तो थोड़े और भी खिले खिले से दिखते ही। तो जब ठंडा हो जाएगा, जब आप उसमें क्या बोलते हैं सब्जी वगैरह ऐड करोगे, तो उसके बाद आपके जो राइस है बिल्कुल खिले खिले से लगेंगे, चिपकेंगे नहीं। गाइस आपने देख लिया कि राइस किस तरह से बना है। एक्चुअली इससे भी ज़्यादा अच्छा बन सकता था, बट अगर आप सोक करके रखते आधा घंटा तो इससे भी ज़्यादा अच्छा बन सकता था, खिला खिला बन सकता था। बट मुझे जल्दी थी और मुझे सडनली याद आया कि आपके साथ शेयर भी करना है, तो इसी वजह से मैंने बनाया। और ये भी बहुत ही खिला खिला सा बना है, बट इससे भी ज़्यादा खिला बन सकता है जब अगर आप आधा घंटा सोक करके रखोगे। तो आधा घंटा सोक करके रखिएगा, उसके बाद आप बनाइएगा, और थोड़ा सा तेल और पानी की क्वांटिटी में ध्यान रखिएगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है राइस कुकर में, राइस कुकर में राइस बनाने के टाइम। और दूसरे मैगी चाहिए इसको बना के, देखो ये वाली चाहिए अभी इसे, तो वही खाई नहीं है, देखो यहाँ पे वैसे ही पड़ी है।
और इसको और चाहिए बना के, ये खा लो पहले, बाद में देती हूँ मैं आपको बना के। नहीं बोल रहा, मैं यहीं पर अपना ब्लॉग खत्म करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट की रिव्यूज, वीडियो रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।